हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, स्वागत है आपका करियर एंड एजुकेशन विद प्रमोद सर के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 10वीं और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है, नेशनल मेरिट कमींस स्कॉलरशिप कक्षा 8वीं के लिए NMMS जो बोलते हैं, और NTS नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कक्षा 10वीं के लिए, ये फॉर्म भरने के लिए क्या करें इसको मैं बताने जा रहा हूँ और क्या करने फॉर्म भर के वो सब डिटेल बताऊँगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, उससे मेरी जो भी मेरे वीडियो डालेंगे उसकी सूचना आपको पहले मिल जाएगी। आइए देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, 7 अक्टूबर का इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था SCERT के द्वारा। वास्तव में ये केंद्र शासन के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, लेकिन केंद्र शासन कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, और SCERT जो स्टेट का है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसके द्वारा परीक्षा ली जाती है। तो ये पहले समझ लें, NTSC जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा है, ये कक्षा 10वीं के बच्चे इसमें पात्र हैं। और जो सेकेंड एग्ज़ाम है NTSC के साथ साथ NMMS, ये कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। तो ये मैं बता दूं, अगर ये मिनिमम कट ऑफ आप ले आते हैं, इसे आप पढ़ते रहिए, मिनिमम कट ऑफ ले आते हैं तो NTSC में आपको कक्षा 11वीं 12वीं से लेकर कॉलेज और PhD तक स्कॉलरशिप मिलता है। कॉलेज तक आपको 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगा NTSC का फर्स्ट और सेकेंड लेवल पास कर लेते हैं तो। और NMMS जो नेशनल मेरिट कमींस स्कॉलरशिप, जिसके लिए कक्षा 8वीं के बच्चे पात्र हैं, इसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तो कक्षा 9वीं से पर मंथ 1000 रुपीज़, 1000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप का प्रावधान है 12वीं तक। इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आइए देखते हैं क्या क्या मुख्य योग्यताएं होनी चाहिए। ऑफलाइन जमा करने की इसका जो डेट है दोनों फॉर्म का, ये 24 अक्टूबर है, आपको ध्यान में रखना है। आपको अपने स्कूल में जमा करना है। स्कूल में जमा करने के बाद आपके प्राचार्य के जरिए आपका जो समन्वय केंद्र है वहाँ भेजा जाएगा 27 अक्टूबर तक। तो आप अपने प्राचार्य से बात करके इसको चाहे तो PDF को पहले भेज दीजिए, हार्ड कापी बाद में आप स्कूल में जमा करते रहिए। और आपका जो समन्वय केंद्र है, अगर वो स्वीकार कर लेता है PDF के आधार पर आपका जो डिटेल है आपके प्राचार्य के जरिए भेजा जाना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड कापी बाद में जमा कर सकते हैं, जैसा कि अभी कोरोना काल है ना, आपदा का समय चल रहा है। और अगर नहीं मानते तो आपको फिर हार्ड कापी स्कूल में जमा करना पड़ेगा, और स्कूल के द्वारा उसे समन्वय केंद्र में जमा करना पड़ेगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं डिटेल। NTSC जो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, इसमें प्रति माह 1250 12वीं तक रहेगा, कॉलेज में 2000 रुपये, और PhD में UGC नियमानुसार स्कॉलरशिप है। और ये देखिए, जो 8वीं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति परीक्षा, इसमें 8वीं में पढ़ने वाले कोई भी बच्चे भाग ले सकते हैं, चाहे वो शासकीय अनुदान प्राप्त हो, चाहे वो नगर निगम का हो, नगर पंचायत का स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट का स्कूल हो, वो भाग ले सकता है। और 1000 रुपये छात्रवृत्ति का प्रावधान है। मुख्य जो इसमें देखने लायक चीज़ें, जो पालक का आय है 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, 1.5 लाख रुपये से कम है तभी हो, और आवासीय विद्यालय के ना हो, ये शर्त है इसमें दिया हुआ है। मतलब सरकारी स्कूल को कोई भी बच्चे ले सकते हैं जिनका आय 1.5 लाख से कम है। आवश्यक दस्तावेज आपको क्या अटैच करना है, NTSC के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये जो दिया हुआ है, किसी भी प्राधिकृत अधिकारी का आपका ST SC OBC का सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और हैंडीकैप हैं तो चिकित्सा बोर्ड का सर्टिफिकेट, ये आपको लगाना है। और NMMS के साथ क्या करना है आपको, कोई भी आय प्रमाण पत्र लगाना है ST SC OBC पिता पालक का, और शासकीय अर्धशासकीय भी अगर कर्मचारी हैं तो उसके लिए उनके विभाग का जो भी आय प्रमाण पत्र है विभागीय, वो लगाना रहेगा, ये लिखा हुआ है। 24 अक्टूबर तक डेट है, 27 अक्टूबर तक प्राचार्य को भेजना है, और 31 अक्टूबर तक समन्वयक जिला से वहाँ जाएगा। तो आप 27 अक्टूबर तक आपके प्रिंसिपल को भेजना है, तो आप जल्दी जल्दी उनको भेज दीजिए, चाहे तो प्रिंसिपल बात कर सकते हैं समन्वय केंद्र, अगर मान जाए तो PDF से काम चलाइए, उसका एक फॉर्मेट उसमें भेजना है,
लास्ट में दिया हुआ है। इसमें जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा बच्चों, ये प्रश्न पत्र पहला जो होगा वो सुबह 2 घंटे का होगा 10 से 12, और 10 से 12 में आपको बौद्धिक योग्यता परीक्षा मेंटल एबिलिटी टेस्ट के प्रश्न रहेंगे। कुल 100 प्रश्न NTSC में रहेंगे, NMMS में 90 प्रश्न रहेंगे। उसी प्रकार से सेकंड जो क्वेश्चन पेपर होगा 1 से 3 बजे तक 2 घंटे का होगा, उसमें वो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें रहेगा गणित के 20 प्रश्न दो पूछे जाएंगे, विज्ञान जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है 40 प्रश्न NTSC में, और NMMS में 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न रहेंगे वो NTSC के लिए 40 और NMMS के लिए 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से NMMS जो 8वीं के बच्चों का है उसमें 90 प्रश्न रहेंगे, और 10वीं के बच्चों का जो होगा NTSC उसमें 100 प्रश्न। तो ये खास ध्यान रखें, ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर दिया जाएगा, SCERT.CG.gov.in, और ये समन्वय केंद्र के एड्रेस दिए हुए हैं पूरे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो प्रिंसिपल्स को किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल्स के द्वारा जो भेजा जाना है, या प्रतियोगी परीक्षा आपके स्कूल का जो भी समन्वयक है NTSC का, उसके द्वारा जो पत्र जो समन्वय केंद्र को भेजेंगे इस फॉर्मेट में भेजेंगे, रोल नंबर खाली छोड़कर, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, स्कूल का नेम, स्कूल का प्रकार, स्कूल कहाँ पर स्थित है, गांव या शहर, मेल फीमेल क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ST/SC/OBC का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट, और उसके गार्जियन का एनुअल इनकम, ये फॉर्मेट में भेजना है। ये फार्म का प्रारूप है। फार्म का प्रारूप ज़्यादा अच्छा है कैपिटल लेटर में भरें इंग्लिश के, और ये सबसे पहले एक फ़ोटो चिपका दें प्रिंसिपल द्वारा प्रमाणित हो, और ये देखें कैंडिडेट का नाम इंग्लिश में, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, इन इंग्लिश में लिखना पूरा। ये मेल फीमेल जो भी है, कैटेगरी कास्ट का कैटेगरी लिख दें, रेजिडेंशियल एड्रेस लिख दें, रूरल है कि अर्बन है। 6-1 देखें, डू यू बिलोंग टू OBC कैटेगरी, अगर है तो OBC कैटेगरी यस नो जो भी उसको लिखें। 7 देखें, डिसेबिलिटी अगर हैं तो ये लिया हुआ है डिसेबिलिटी स्टेटस, जो भी आपके डिसेबल है नहीं है उस पर आपको पॉइंट लिखना है, उसका कोडिंग लिखना है 1, 2, 3, 4 जो भी है। पोस्टल एड्रेस लिखना है, नेम एड्रेस, स्कूल जहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको लिखना, मतलब यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर स्कूल के एड्रेस लिखना है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन विच स्टडिंग, जहाँ पर पढ़ रहे हैं स्थानीय है, निजी सहायता प्राप्त है कि गवर्नमेंट है, वो सब लिखना है। स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कुछ उसको ऑप्शन डालना है। ये देखिए पॉइंट नंबर 10-11, एरिया ग्रामीण है कि शहरी, वो दी। मीडियम ऑफ स्कूल क्या है वो लिखना है। फादर्स एजुकेशन, मदर, फादर्स एजुकेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, फादर्स, मदर्स एजुकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, ये जो 13, 14, 15 उसका पॉइंट इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या क्या डालना है, उसके 1, 2, 3, 4 जो भी प्रोफेशन है उसको आपको डालना है, मतलब ये जो ऊपर में जो कोडिंग दिया है 12 to 16 उसके लिए ये कोड डालना है ना, और फादर मदर का ऑक्यूपेशन का 14, 15, 16 में जो दिया है उसके लिए ये कोड डालना है, मतलब आपके क्लर्क में है तो ये 3 रहेगा, बिजनेसमैन है तो 4 रहेगा, इस तरह से आपको भरना है। तो ये ज़रूर देख लें कोडिंग भरते समय, कंफ्यूज मत होइए। क्रमांक 12, 13, 14, 15, 16 में कोड जो दिया नेक्स्ट पेज में उसको भरना है। पेरेंट्स का एनुअल इनकम, मोबाइल नंबर ज़रूर भरें, और यहाँ पर हस्ताक्षर कर दें। ये NTSC का फॉर्म है, ये इसी के पीछे प्रवेश पत्र वाला पोर्शन है एडमिशन कार्ड का, इसको ज़रूर भरें, और ये इसमें टाइम टेबल दिया हुआ है याद रख लें। ये फिर नेक्स्ट पेज में आपका NMMS जो 8वीं के बच्चों का है वो यह फॉर्म है, इसमें वही जानकारियाँ हैं, हिंदी में भरना है, इंग्लिश में भरेंगे ज़्यादा अच्छा है, प्रवेश पत्र उसके बाद, इसमें सब टाइम टेबल भी दिया हुआ है। इस तरह से भर के अपने प्रचारक के पास जमा करें। प्रचारक में फ़ोटो का टेस्ट करने के बाद, दोनों फ़ोटो का टेस्ट करना है, फ़ोटो का टेस्ट करने के बाद उसको समन्वय केंद्र में जमा करेंगे। वैसे दिया हुआ है 27 अक्टूबर तक, फिर भी अगर आप PDF भी अपने समन्वय केंद्र से पूछ लें, कहीं कहीं PDF के आधार पर ले लेते ठीक है, बाद में हार्ड कापी जमा कर दें, अगर ये डिपेंड करता है आपके समन्वय केंद्र के ऊपर। तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए दूसरे बच्चों के साथ, समय कम है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।